सो ये एक कैलेटोनियन पेंटिंग है, ये कहाँ है, इसमें जो मूर्तियाँ बनी हुई है देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। और इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जगह जगह, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये, और ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। इसके खम्भों के ऊपर जो लोगे साथ से भी ऐसा है। ये देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग के खम्भों पे नजर मारी, सब पे कलाकारी है। और इस बिल्डिंग के सामने ये चर्च है, चर्च के बगल में एक कब्रगाह है, यहाँ बहुत ही फेमस लोगों की ग्रेव्स है। ये यहाँ का चर्च यार्ड है, बहुत ही फेमस। यहाँ पर देख जो ये पत्थर दिख रहे हैं, इन पे इतिहास लिखा हुआ है, किस व्यक्ति की है, किस फेमस पर्सन की है ये। सामने आपको यहाँ का किला नजर आ रहा होगा, ये बहुत ही फेमस किला है, आज मैं जा रहा हूँ पीटो पार्क की तरफ, किधर ले जाऊँगा मैं आपको, पीटो पार्क की तरफ। ये है वो कैलेडोनियन बिल्डिंग, और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, और इस पे ये फ्लैग लगे हुए हैं स्कॉटलैंड के और ब्रिटेन के दोनों के, और ये सामने है वो चर्च। दोस्तों ये यहाँ के एक्सचेंज प्लाजा बिल्डिंग है, सामने नज़र आ रही जो आपको, और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। रास्ते होकर ये भी बहुत ही सुंदर दृश्य है, इधर से भी गाड़ियां आती हैं इधर को, और मैं ले जा रहा हूँ आपको मीडो पार्क की तरफ। और ये है दोस्तों यहाँ का फेमस असर हॉल, यहाँ नाटक फिल्में ये दिखाई जाती हैं, बहुत ही फेमस है यहाँ का। और ये कितना विशाल है, असर यहाँ पे जो नाटक या वो दिखाई जाएंगे इनका यहाँ लिखा होता है एड सारी लाइन से। देखिए और ये सामने है सैरटन होटल, सैरटन होटल की बिल्डिंग है, 5 स्टार होटल है, बहुत ही फेमस। सर हॉल के सामने से मैं निकल रहा हूँ, ये यहाँ की ये सर हॉल के बगल से एक गली जा रही है, कितनी सुंदर लग रही है देखिए। और ये सर हॉल पे जो नाटक दिखाया जा रहा हो आज का, यहाँ बाहर लिखा हुआ है, ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है के नंदोस।
दोस्तों ये फिल्म हाउस है, यहाँ भी फिल्म दिखाई जाती है। देखिए फिल्म हाउस सुंदर बना हुआ है। बसें आ रही हैं, मैं जाऊँगा इस रास्ते। इस तरफ के जो रेस्टोरेंट है कितने सुंदर लग रहे हैं। या आपको मैं इधर के रेस्टोरेंट जो हैं, यहाँ की दुकानें उनको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कितनी सुंदर दुकान है। रंगों का कॉम्बिनेशन है। ये है ऑडियन बिल्डिंग, यहाँ की बहुत ही फेमस बिल्डिंग। देखिए ऑडियन बिल्डिंग, यहाँ की ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देखिए कितनी भव्य इमारत है। दोस्तों यहाँ की मार्केट देखिए, ये इस तरह से दुकानें होती हैं। यहाँ सारी दुकानें हैं, तरफ होती है। मैं ले जा रहा हूँ आपको सीधे इधर, आगे सामने मिडो पार्क होगा। और ये गाड़ियों का जाम सा लग गया रेड लाइट की वजह से। और ये इस तरफ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। दोस्तों देखिए कितनी भव्य बिल्डिंग है ये सामने, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। बड़ी बिल्डिंग है। इस तरफ भी ये कोई सामने ये क्या एक चर्च सा नजर आ रहा है। चर्च सुंदर दृश्य स्कॉटलैंड का। देखिए मैं जाऊंगा इस तरफ। और ये के मॉडर्न बिल्डिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी बहुत ही सुंदर बनी हुई है इस तरफ। ये तो सामने ये भी सही बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये के है इस बिल्डिंग को देखिए बहुत ही सुंदर बनी हुई है। बहुत ही अच्छी एक कलरफुल बिल्डिंग ये भी है, कितना सुंदर रंग है इसका। दोस्तों अब मैं आ गया मिडो पार्क के नज़दीक। और ये जो साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये फ्राइडे और सैटरडे संडे तीन दिन यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोग जो है बियर या शराब पीते हैं बैठ के मिल के, क्योंकि यहाँ फ्राइडे की भी छुट्टी हाफ डे हो जाती है और सैटरडे संडे तो छुट्टी होती थी, इसलिए लोग बहुत अपना इंजॉय करते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और ये वो सामने जो हरियाली सी नजर आ रही है वो है मिडो पार्क, यहाँ जाऊंगा मैं। ये भी देखिए कितना सुंदर बनाया गया है बिल्डिंग, ये भी देखने योग्य है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं यहाँ कि भाई आप आगे एक कदम रखोगे तो नई चीज़ नज़र आ जाएगी। दिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। तो एक गोरखा रेस्टोरेंट देखिए यहाँ एडनबरा में, नेपाल और इंडिया का फूड मिलता है यहाँ। और ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। सामने नजर आ रहा आपको मिडो पार्क, दो
दोस्तों, ये इधर से आया था मैं और अभी आपको मैं मीडो पार्क दिखाता हूँ। ये है मीडो पार्क और इसमें कुछ दिन पहले सभी पेड़ों पे फूल खिले हुए थे। मैंने वीडियो भी बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे और उस दिन धूप भी आई हुई थी, लेकिन आज धूप नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, ठंड है आज। और अब देखें इन पेड़ों पे पूरी हरियाली फैल गई है, फूल नहीं है इन पे अब ये हरे हरे पत्तों में सुंदरता बिखेर रहे हैं अपनी। ये देखिए बड़े बड़े वृक्ष, और कुछ ही दिन पहले मैंने दिखाया था आपको कि इन पे कितने सुंदर फूल खिले हुए थे, और यहाँ कितने बहुत सारे लोग टूरिस्ट आए हुए थे, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं होने के कारण भीड़ कम है। ये बहुत ही सुंदर पार्क है, यहाँ का बहुत ही फेमस पार्क है। इस पार्क में मोरों को देखने के लिए लोग आते हैं। वो जो सामने पेड़ नज़र आ रहे हैं, इन पे कुछ दिन पहले पूरे फूल खिले हुए थे, लेकिन अब जो है इन पे फूल नज़र नहीं आएंगे, अब हरी हरी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। और अब इस पार्क में कर्मचारी अपनी ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने सफाई कर रहे हैं, घास जो बड़ी हो गई है उनको काटने की मशीनें लगा रखी है, और ये बड़े बड़े वृक्ष, इनकी हरी हरी पत्तियाँ, और अब फूल जो है पत्तियों में बदल गए, अब फूल नजर नहीं आएंगे आपको। इस पेड़ पे है फूल, अभी बाद में दोस्तों कुछ दिन पहले देखे इन पे सारे फूल खिले हुए थे, अभी एक भी फूल नजर नहीं आ रहा, और सारे पेड़ों पे पत्तियां ही पत्तियां नजर आ रही हैं। देखिए उधर भी लाइन से जो पेड़ हैं उन पे पूरे फूल खिले हुए थे, लेकिन अब नहीं है। सारे फूल झड़ गए हैं और इन पे हरियाली नजर रही है सारे पेड़ों पे। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था उस दिन, इन पे सब पे फूल खिले हुए थे, और इनके नीचे चलने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अब हरियाली में तब्दील हो गए। देखिए दोस्तों, आज ये बच्चे ना अब ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कोच भी साथ में हैं और इस तरह से प्रैक्टिस कर रही है। मैच सिखाया जा रहा है कोच के, इस तरह से इन्हें प्रैक्टिस कराई जा रही है। दोस्तों आज मैंने आपको मीडो पार्क की सैर करवाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरे रास्ते भर जो सीन दिखाता रहा और पूरा रास्ता यहाँ तक का दिखाता रहा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हर कदम पे ही बहुत सुंदरता नज़र आती है यहाँ, और लास्ट में मैं यहाँ लाया हूँ आपको ये मीडो पार्क में, जहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं आजकल। लेकिन थोड़ा सा निराशा ये हुई कि आजकल जो है यहाँ फूल नहीं है पेड़ों पे, और ये निराशा ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी ये जो पेड़ हैं बहुत ही हरे भरे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, और
मेरी पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।